हेलो गाइस, एसके टेक चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कार का डोर बीडिंग कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये कार का डोर बीडिंग प्लेट ऑनलाइन शॉपिंग किया है अमेजोन से। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं, इसके बाद हम इसका स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम कार का डोर बीडिंग इंस्टॉलेशन। तो फ्रेंड्स, हम अभी हम देखेंगे कार का डोर बीडिंग का अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स, इसे हमने अमेजॉन से परचेज किया था। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अनबॉक्सिंग के बाद में कैसा हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उसके बाद हम इसे कार पे डोर पे इसका स्टिकिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी खोले तो थोड़ा सावधानी से खोले, क्योंकि ओपन करने टाइम में इसमें जो डबल साइडेड टेप लगा है वो आपस में एक दूसरे में चिपक जाता है। तो जब खोले तो थोड़ा सावधानी से खोले, क्योंकि अगर ये टेप इसमें से निकल गया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम करेगा ये चिपकने में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रियर का है और ये फ्रंट डोर का है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चिपका हुआ है। तो ऐसे इसे सावधानी से ओपन करें। फ्रेंड्स, ये रेडी है अभी यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी कार रेडी है, हमने वॉश करके रखा है। तो फ्रेंड्स, एक बार इसे अब पेस्ट करने से पहले एक बार फिर से हम इसे क्लीन करेंगे। फ्रेंड्स, इसे क्लीन करने के लिए आप लिक्विड सोप ले सकते हैं और माइक्रोफाइबर टॉवल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे क्लीनिंग के टाइम में माइक्रोफाइबर टॉवल ही यूज करें, क्योंकि जब हम इसे वॉश करते हैं तो दूसरे क्लॉथ से कॉटन वेस्ट दूसरा यूज करेंगे तो इस पर स्क्रैचेस के निशान बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप माइक्रोफाइबर टॉवल ही यूज करें, ये मेरा सजेशन है। फ्रेंड्स देखिए, हमने लेफ्ट रियर डोर को क्लीन कर लिया है। अब हम इसे एक बार मेजर कर लिए ओवरव्यू देखने के लिए कि ये कौन किस जगह पे बैठेगा। उसके बाद इसका जो सेल्फ एडहेसिव स्टिक के ऊपर में प्लास्टिक लगा हुआ, प्लास्टिक हम निकाल लेंगे। इस तरह हमने प्लास्टिक निकाल लिया है। और फ्रेंड्स देखिए, लगाने टाइम में इसके सेंटरिंग का एडजस्टमेंट अच्छे से बिठा लें, उसके बाद ही पेस्ट करें। जब एडजस्टमेंट परफेक्ट हो तभी पेस्ट करें फ्रेंड्स, वो भी हल्के से पेस्ट करें, ताकि अगर जजमेंट मिस्टेक हुआ तो दोबारा हम इसे निकाल सके। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसे चिपकाया है, जजमेंट हमारा सही है। और धीरे धीरे इसे प्रेस करें, धीरे धीरे प्रेस करें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। एक बार ये अच्छे से चिपक गया दोस्तों तो ये फिर निकलेगा नहीं। वैसे ही हम फ्रंट डोर में भी क्लीनिंग कर लेंगे लिक्विड सोप और माइक्रोफाइबर टॉवल की मदद से। तो अच्छे से क्लीन कर ले, क्लीनिंग ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो कुछ रेसिड्यू अगर रह गया डस्ट तो फ्रेंड्स ये अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रियर वाले बीडिंग प्लेट हमने निकाल लिया है। इसका फ्रेंड्स प्लास्टिक निकाल ले इसका। फ्रेंड्स, नेल अगर थोड़ा बड़ा रहे तो प्लास्टिक निकालने में आसानी होती है, या फिर किसी और दूसरे चीज़ का मदद ले सकते हैं, जैसे नाइफ या ब्लेड का। ये देखिए, हमने निकाल लिया है प्लास्टिक जो ऊपर का कवर है, और सेम
सही जजमेंट के साथ में इसे लगाते हैं फ्रेंड्स, जो हमने रियर टोर पे लगाया है उसके अकॉर्डिंग हम लाइन मैच करें, और मैच करने के बाद ही लगाए। देखिए अच्छे से पहले मैच कर ले उसके बाद ही लगाए। फ्रेंड्स ये देखिए अच्छे से हमने मैच कर लिया है, उसके बाद धीरे धीरे प्रेस करते हुए एक साइड से प्रेस करते आए और पूरा एंड तक हम उसे अच्छे से दबाते हुए आए। अगर कहीं पे लग रहा है नहीं चिपक रहा है तो फिर से उसे हल्के हाथों से निकाल के फिर अच्छे से पुश करें अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बीच में गैप दिख रहा है तो थोड़ा सा आप बाहर की तरफ निकाल के और अच्छे से दबाए, जोर से दबाए। फिर हल्के हाथों से उसे हैमरिंग कर सकते हैं, हल्के हाथों से ठोकेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा और फिर थोड़ा दबा के प्रेस करते हुए अच्छे से चिपकाए। फ्रेंड्स जब भी एक बार ये अच्छे से चिपक जाए तो फिर निकलना मुश्किल होता है, तो एक बार अच्छे से चिपका दे सही से, अगर नहीं चिपकेगा तो फ्रेंड्स ये निकलने के चांसेस रहते हैं इसके। गाड़ी जब स्पीड में रहती है तो हवा के प्रेशर से निकल सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने चिपका लिया है इसे भी। ये देखिए ओवरलुक हमारा बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड का दोनों डोर का। इसी तरह हम राइट साइड का भी चिपका लिए फ्रेंड्स देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमने राइट साइड का भी चिपकाया है, राइट साइड का भी हमने देखा बहुत ही अच्छे तरह से चिपका है ये। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, थैंक यू।